गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज ही हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स, चैप्टर 3 है राउंडिंग नंबर्स। राउंडिंग नंबर्स का मतलब होता है कि हम किसी भी नंबर को नियरेस्ट मतलब 1000 या 10 या 10,000 में कैसे चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट हम नियरेस्ट टेन में चेंज करना सीखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले 10 में चेंज करने के लिए हम वंस वाले प्लेस को देखेंगे। वंस वाले प्लेस को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि एग्जांपल ले लेते हैं 163। तो यहाँ पे वंस वाले प्लेस को देखेंगे तो 3 है, तो 3 क्या है, 5 से कम है। क्या है, 5 से कम है, मतलब कोई भी प्लेस अगर 0 से 5 से कम हो तो क्या करेंगे, हम वंस वाली प्लेस को 0 से रिप्लेस कर देंगे और 6 को वैसा ही रहने देंगे। तो ये हमारा नियरेस्ट 10 में कैसे बनेगा, 160। अब सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2447 है, तो क्या करेंगे, ये 7 देखेंगे तो ये क्या है, 5 से बड़ा है। क्या है, 5 से बड़ा है, मतलब कोई भी नंबर अगर 5 या उससे ज़्यादा बड़ा हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 0, और जो हमारा जो 10 वाला प्लेस है उसमें हम 1 ऐड करेंगे, तो हमारा क्या होगा, ये 2450। अब नियरेस्ट 100 में चेंज करने के लिए हम क्या देखेंगे, टेंस वाले प्लेस को, क्या देखेंगे, टेंस वाले प्लेस को। जैसे एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे वंस टेंस, टेंस की प्लेस पे क्या है, 4 है, तो ये क्या है, 5 से कम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को बस हम 0 से प्लेस करेंगे और बाकी हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, मतलब वंस टेंस दोनों को हम 0 से रिप्लेस कर देंगे, तो 2100 हमारा आंसर आएगा। अब नेक्स्ट 4872, इसमें भी 100 से बोला है, तो हम क्या करेंगे, टेंस वाली प्लेस को देखेंगे, कौन सी वाली, टेंस, तो यहाँ पे कितना है, 7 है, तो वंस और टेंस के प्लेस को हम 0 से रिप्लेस करेंगे और जो हमारा 100 वाली प्लेस होगा उसको हम 1 से 1 उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा 4900 आंसर आ गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट नियरेस्ट 1000 में बोला है चेंज करने का, तो 1000 में चेंज करने के लिए हमें पहले 100 वाली प्लेस को देखना पड़ेगा। क्या करेंगे, 100 वाली प्लेस को देखेंगे कि वो क्या है, 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है, तो क्या है, 1 10 100, तो ये क्या है, 5 से कम है, तो 1 10 100 की प्लेस को हम 0 से रिप्लेस करेंगे, इसमें 4 में जो है कुछ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 100 की प्लेस पे क्या है, 3 है, तो 3 क्या है, 5 से कम है। जैसे एक एग्जांपल ही सेकंड ले लेते हैं, 12980, तो यहाँ पे 1 10 100 वाली प्लेस को देखेंगे कितना है, 9 है, तो ये क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो 1 10 100 की प्लेस को हम 0 से रिप्लेस करेंगे और 2 में जो है 1 ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 13,000। अब जैसे एक एग्जांपल है, थिंक ऑफ राउंडिंग नंबर्स टू नियरेस्ट 1000, टेल द नंबर्स दैट कुड बी राउंडेड टू 14,000, मतलब 14,000 जो हमारा जो आंसर आएगा, मतलब किन किन नंबर्स को हमने राउंडिंग ऑफ किया तब हमारा आंसर 14,000 आएगा, तो इसमें 13,500 से लेके 13,999 और 14,001 से लेके 14,499, इन सबको हम 14,000 में कन्वर्ट मतलब राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। तो हम कैसे मान सकते हैं कि इन सबको राउंडिंग ऑफ करने पे हमारा 14,000 आएगा, कैसे, क्योंकि 14,000 है तो इसका मतलब क्या, नियरेस्ट 1000 में, मतलब नियरेस्ट 1000 में करने के लिए हमें क्या, हम 100 की प्लेस को देखेंगे, यहाँ पे 1 10 100 कितना है, ये 5 है, कितना है, 5 है, तो 5 या फिर उससे ज़्यादा हो तो हम 1 10 100 की प्लेस को 0 से रिप्लेस कर देते हैं और 1000 वाली प्लेस को 1 प्लस कर देते हैं, ये क्या होगा हमारा, 14,000 राउंडिंग ऑफ आ जाएगा। वही 14,001 देखोगे आप, 1 10 100, तो 100 की प्लेस पे क्या है, 0, 0 से लेके अगर 4 हो, क्योंकि क्या है, ये 5 से कम है, तो 1 10 100 की प्लेस को हम 0 से रिप्लेस कर देंगे बस। नेक्स्ट, लार्ज नंबर्स को कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं। अब नियरेस्ट 10,000, तो 10,000 को करने के लिए हम क्या देखेंगे, पहले जो है हम 1000 वाली प्लेस को देखेंगे, तो 1 10 ये, जैसे इस नंबर को हमें 10,000 के मतलब नियरेस्ट 10,000 में राउंडिंग ऑफ करना है, तो 1 10 100 1000 की प्लेस पे क्या है, 8 है, क्या है, 8 है, तो 1 10 100 1000 की प्लेस को हम 0 से रिप्लेस करेंगे और 7 में 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा नियरेस्ट जो 10,000 होगा राउंडिंग ऑफ करने पे, तो हमारा ये आएगा 480,000, क्या आएगा, 480,000। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है राउंडिंग ऑफ
दिस नंबर टू नियरेस्ट लैक. अब नियरेस्ट लैक में करने के लिए हम क्या करेंगे, उससे पहले वाला, मतलब उससे पहले वाला मतलब 10,000 वाला देंगे. आपको जो भी नंबर बोला जाए राउंडिंग ऑफ करने के लिए, आप पहले मतलब उससे पहले वाले मतलब डिजिट में जाओगे. जैसे कि इसमें बोला है नियरेस्ट लैक में करने के लिए, तो हम 10,000 की प्लेस में जाएंगे. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 10,000 लैक. तो 10,000 की प्लेस पे क्या है, फोर है. क्या है, फोर है. तो ये फोर क्या है, फाइव से कम है. तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, इन सब भी प्लेसेस को हम ज़ीरो से रिप्लेस कर देंगे. बाकी हम लैक की लैक डिजिट ऐसे ही रहने देंगे. ये हमारी बुक एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट होती है. इस चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. अब हम इससे रिलेटेड वर्कशीट करेंगे. ये 3.1 ही मैं आपको वर्कशीट में करवाऊंगी. आज डेट हमारी 11 अगस्त 2021 है. डे हमारा वेडनेसडे है. ये होम वर्कशीट 42 है हमारी. सब्जेक्ट मैथ्स है. मैंने जो आपको थर्ड चैप्टर राउंडिंग नंबर्स करवाया उससे रिलेटेड ये हमारी वर्कशीट है. एक्सरसाइज 3.1 में करवाऊंगी आपको. फर्स्ट राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट टेंस. आपको जो है आपको राउंडिंग ऑफ करना है नंबर को किसके मतलब नियरेस्ट टेन के बीच. तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 135. तो नियरेस्ट टेन में हमें करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम वंस वाली प्लेस को देखेंगे. तुम्हारा वंस वाला प्लेस क्या है, फाइव है. क्या है, फाइव है. तो मैंने आपको बुक में करवाया था कि जो भी नंबर फाइव या उससे ज़्यादा हो तो उस प्लेस पे ज़ीरो आ जाता है और नेक्स्ट उसके प्लेस पे वन ऐड हो जाता है. तो 135 पे फाइव जो है ज़ीरो की जगह रिप्लेस हो जाएगा और थ्री में वन प्लस हो जाएगा. तो 140 हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट डी 12,578. तो इसमें हमें टेंस करने के लिए हम वंस वाला प्लेस देखेंगे. क्या है, एट है. थ्री क्या है, फाइव से जो है ज़्यादा बड़ा है. क्या है, फाइव से बड़ा है. तो हम क्या करेंगे, वंस की प्लेस को ज़ीरो से रिप्लेस करेंगे और सेवन में वन ऐड कर देंगे. तो 12,580 जो है हमारा नियरेस्ट टेन आ जाएगा. नेक्स्ट राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट हंड्रेड. हंड्रेड में चेंज करना है, उसके लिए आप टेंस वाली प्लेस देखोगे. क्या देखोगे, टेंस वाली. वंस, टेंस, टेंस के प्लेस पे क्या है, एट है. तो ये क्या है, फाइव से ज़्यादा है. तो वंस की प्लेस पे क्या होगा, हमारा वंस और टेंस की प्लेस ज़ीरो से रिप्लेस हो जाएगी और जो हमारा हंड्रेड वाला प्लेस होगा उसमें वन ऐड हो जाएगा. एक और एग्जांपल देखते हैं हम. जैसे कि ये एग्जांपल है. तो ये नंबर है. तो इसमें भी बोला है, तो इसमें भी बोला है हंड्रेड की प्लेस पे. तो हंड्रेड की प्लेस पे करने के लिए क्या करोगे आप, वन टेंस वाला देखोगे. टेंस क्या हमारा, टेंस हमारा सिक्स है. तो सिक्स क्या है, फाइव से ज़्यादा है. तो वंस और टेंस की प्लेस पे क्या होगा, हमारा ज़ीरो रिप्लेस हो जाएगा और जो थ्री में जो है वन ऐड हो जाएगा. तो 98,400 हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट राउंड ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट थाउजेंड. आपको क्या करना है, नियरेस्ट थाउजेंड में चेंज करना है. तो थाउजेंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हंड्रेड वाली प्लेस को देखेंगे. तो डी एग्जांपल देखो आप. वंस, टेंस, हंड्रेड. हंड्रेड की प्लेस पे क्या है, नाइन है. क्या है, नाइन है हमारा. तो वंस नाइन है. तो नाइन क्या है, फाइव से क्या है, ज़्यादा बड़ा है. तो वंस, टेंस, हंड्रेड. हंड्रेड की प्लेस पे हमारा क्या होगा, तीनों वंस, टेंस, हंड्रेड तीनों जो है ज़ीरो से रिप्लेस हो जाएंगे और जो हमारा सिक्स है उसमें वन ऐड हो जाएगा. तो 2,97,000 हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट है, थिंक ऑफ अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट टेन. टेल द नंबर डैट कुड बी राउंडेड टू. अब क्या बोला है कि आपको जो है नियरेस्ट टेन में मतलब नियरेस्ट टेन में जो है इनको चेंज कर रखा है. मतलब हम किन किन नंबर्स को जो है इन मतलब नियरेस्ट टेन में चेंज कर सकते हैं. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 2060. तो 2060 जो है किस किस का राउंडिंग ऑफ है. तो ये 2055 टू 2064 का ये राउंडिंग ऑफ है. कैसे, तो अब बोला है नियरेस्ट टेन में. तो वंस, टेंस, तो हम वंस की प्लेस देखते हैं, फाइव है. यहाँ क्या है, फाइव है. तो फाइव क्या है, तो ये बड़ा है. तो हम क्या करेंगे, इसको ज़ीरो से रिप्लेस करेंगे
और उस 5 में ऐड कर देंगे तो 2060 आ जाएगा। 2064 देखते हैं तो वंस की प्लेस पे क्या है, 4 है, तो ये क्या है, 5 से कम है। तो 2064 को देखोगे तो यहाँ पे 4 क्या है, 5 से कम है, तो वंस की प्लेस पे हमारा 0 हो जाएगा, 6 एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट, थिंक ऑफ राउंडिंग टू द नियरेस्ट 100, टेल द नंबर्स दैट कुड बी राउंडेड टू, मतलब 100 की प्लेस पे इन सबको मतलब राउंडिंग ऑफ किया गया है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, 3400, तो 3400 कैसे हम 3352 3449 को हम राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, किसको, 34 से। तो आप कैसे कर सकते हो, जैसे 100 की प्लेस बोला है तो वंस टेंस, तो आप क्या करोगे 100 की प्लेस मतलब नियरेस्ट 100 में राउंडिंग ऑफ करने के लिए आप टेंस वाली प्लेस देखो, तो वंस टेंस, टेंस की प्लेस पे क्या है, यहाँ पे टेंस की प्लेस पे क्या है, 5 है, तो 5 क्या है, ये इक्वल है, तो वंस टेंस की प्लेस पे 0, ये 3 जो है इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो 34 होगा, 3400 हो जाएगा। अब यहाँ पे वंस टेंस की प्लेस पे क्या देख रहे हो आप, 4 है, क्या है, 5 से कम है, तो वंस टेंस की प्लेस पे 0 0, और ये 4 जो है एज इट इज़ रहेगा 100 की प्लेस पे, तो 3400 हमारा राउंडिंग ऑफ नंबर आ गया। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग टू नियरेस्ट 10,000। अब 10,000 में करने के लिए हम 1,000 वाली प्लेस को देखेंगे, वंस टेंस 100,000, 1,000 की प्लेस पे क्या है, 4 है, 4 क्या है, ये 5 से कम है, क्या है, 5 से कम है, तो वंस टेंस 100,000 की प्लेस जो है 0 से रिप्लेस हो जाएगी और 8 हमारा एज इट इज़ रहेगा, तो हमारा 80,000 आंसर आ गया। नेक्स्ट है, थिंक ऑफ राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 1,000, टेल द नंबर्स दैट कुड बी राउंडिंग टू। अब नियरेस्ट 1,000 में बोला है, मतलब नियरेस्ट 1,000 में किया गया है नंबर को राउंडिंग ऑफ, अब हम किन किन नंबर्स को मतलब राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल है सी ले लिया मैंने 25,000, तो 24,500 टू 25,499 को जो है हम 25,000 से राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने एक ये ले लिया तो 1,000 बोला है तो हम 100 की प्लेस को देखेंगे तो क्या है हमारा, 5 है, ठीक है, हमारा 5 है, तो 5 क्या है, बड़ा है, तो वंस टेंस 100 की प्लेस को हम 0 से रिप्लेस कर देंगे और 4 में 1 ऐड कर देंगे, तो 25,000 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग टू नियरेस्ट लैख। अब नियरेस्ट लैख में बोला है करने को, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल, अब लैख में करने के लिए हम क्या 10,000 वाली प्लेस को देखेंगे, क्या करेंगे, 10,000 वाली, वंस टेंस 100,000 10,000, तो यहाँ पे 10,000 की प्लेस पे क्या है, 6 है, क्या है, 6 है, तो वंस टेंस 100,000 10,000 की प्लेस को हम 0 से रिप्लेस कर देंगे और जो लैख वाली डिजिट है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, राउंड द नंबर मतलब इन तीनों नंबर्स को आपको राउंडिंग ऑफ करना है, नियर 10 में 100 में 1,000 में 10,000, तो 10 में करने के लिए वंस की प्लेस को 5 है, 5 का ये बड़ा है, तो इसको ये 0 से रिप्लेस हो जाएगा और 4 में जो है 1, तो ये क्या होगा हमारा, 6850। नेक्स्ट है, अब राउंडिंग 100 में, 100 में करने के लिए हम टेंस वाली प्लेस को देखेंगे, क्या करेंगे, टेंस वाली प्लेस को देखेंगे, तो वंस टेंस, टेंस के प्लेस पे क्या है, 4 है, क्या है, 4 है, तो ये क्या है, 5 से कम है, तो हम इसको वंस टेंस की प्लेस को ऐसे रहने देंगे, मतलब वंस टेंस की प्लेस को हम 0 से रिप्लेस कर देंगे और 100 की प्लेस को हम एज इट इज़ रहने देंगे, तो 6800 हमारा हो गया। अब 1,000 वाली करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 की प्लेस को देखेंगे, वंस टेंस 100 की प्लेस पे क्या है, 8 है, तो 8 क्या है, 5 से बड़ा है, तो वंस टेंस 100 की प्लेस को हम 0 से रिप्लेस कर देंगे और 6 में जो है 1 ऐड कर देंगे, तो 7,000 हमारा आंसर आ गया। बाकी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, फाइंड द मिसिंग नंबर्स, आपको ये खुद करना है, ये हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।